हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एग्जामोफोबिया। आई एम धर्मेंद्र सिंह। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं लेके आता हूँ आपके लिए करंट अफेयर। तो डेली करंट अफेयर की सीरीज़ में वी स्टार्ट टुडेज करंट अफेयर। तो आज डेट है 24 जून 2020। आज की हमारी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे महत्वपूर्ण न्यूज़ है युक्ति। युक्ति क्या है? युक्ति हमारी HRD मिनिस्टर या HRD मंत्रालय ने शिक्षा के क्षेत्र में नए इनोवेशन के तौर पे एक पोर्टल लॉन्च किया है। क्या किया है? एक प्लेटफॉर्म पोर्टल लॉन्च किया है। तो इसको नाम दिया गया है युक्ति 2.0। क्या नाम है? 2.0 या ज़ीरो। ठीक, अगर हम इसके बारे में देखें तो युक्ति है क्या, फुल फॉर्म में अगर हम जाएं तो इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। यंग इंडिया कॉम्बेटिंग कोविड विद नॉलेज टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। ठीक है, यानी यंग इंडिया कॉम्बेटिंग कोविड विद नॉलेज टेक्नोलॉजी इनोवेशन। ठीक है, तो ये क्या है, अब इस पर चलते हैं। तो हमारे HRD मिनिस्टर, केंद्रीय HRD मिनिस्टर मिस्टर रमेश पोखरियांग या और निशंक, इनकी एक उपनाम है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक वेब पोर्टल लॉन्च किया। वो वेब पोर्टल क्या है? वो वेब पोर्टल जो है एक उच्च शिक्षण संस्थानों में नए इनोवेशन देने वाले लोगों, नए इनोवेशन को देने वाले युवाओं को प्रेरित करने के लिए किया गया है। अब इनोवेशंस क्या होंगे, नए युवा कैसे इसमें जुड़ेंगे, इसको देखते हैं। अगर हम इसके मतलब में जाएं तो ये क्या करता है, एक प्लेटफॉर्म देता है युवाओं को, जो इनोवेटेड युवाज हैं उन्हें एक प्लेटफॉर्म देता है, जो क्या करेंगे, जो सीधे एक मार्केट प्लस यानी एक मार्केट देगा, इन्वेस्टर्स से वो सीधे अपनी बात रख सकते हैं और सीधे उसमें जाके इन्वेस्टर्स उनसे कंसल्ट करके क्या करेंगे, उनसे कॉन्टैक्ट बना के सीधे एक मार्केट में उनकी इनोवेशंस उनकी आइडियाज़ मार्केट में आएंगे, लाभान्वित होंगे। और अगर हम ये बात करें कि इसमें क्या कैसे और क्या होगा, तो इसके लिए ये है, तो देखो सबसे पहली बात है ये कि अभी ये बनाया गया है एक वेब पोर्टल लॉन्च के रूप में और ये काम करेगा दिल्ली के उच्च शिक्षण संस्थानों में। ठीक है, दिल्ली के उच्च शिक्षण संस्थानों में एक स्टार्टअप इक्वेटर की तरह ये क्या करेगा, काम करेगा। ठीक है, अब हम जरा इसको देखते हैं और थोड़ा पॉइंट वाइज लिख लेते हैं। ठीक है, तो केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री यानी HRD मंत्री रमेश पोखरियांग द्वारा युक्ति 2.0 वेब पोर्टल लॉन्च। ओके, वेब पोर्टल क्या किया, लॉन्च किया गया। अब ये है क्या, ये है उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए, किसके लिए, उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए। उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए और वहाँ के युवाओं को क्या करेगा, स्टार्टअप इनक्यूबेटर से व्यावसायिक क्षमता रखने वाले, ऐसे समझो स्टार्टअप इनक्यूबेटर से
व्यावसायिक क्षमता रखने वाले युवाओं को एक मार्केट प्लस उपलब्ध कराएगा जहां निवेशकों से सीधे संपर्क किया जा सकता है। ठीक है, तो ये होगा। अब इससे मदद क्या, इसको क्या व्यापक प्रॉफिट मिलेगा, क्या लाभ होगा, अगर हम इस पे देखें तो ये उच्च संस्थानों के जो हाई क्वालिटी इंस्टीट्यूशन होते हैं वो क्या होते हैं, उनको उच्च संस्थानों में जो नए इनोवेशन आते हैं, नए नवाचार आते हैं, नए आइडियाज़ आते हैं, उनको मार्केट उपलब्ध कराने के लिए, उन आइडियाज़ को एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया है, और अभी हालिया में ये दिल्ली के उच्च संस्थानों के लिए। ठीक है, इतना ध्यान रखना। उसके बाद हम लोग अब अपनी अगली न्यूज़ पर चलते हैं। अगली न्यूज़ है हमारी IIT मुंबई से। यानी एक IIT मुंबई में एक रिसीवर बनाया गया है ध्रुव। क्या बनाया गया है? ध्रुव। इस पर देखते हैं, इसको अगर देखते हैं तो हम बताते हैं कि IIT मुंबई के छात्रों ने क्या किया है, एक नाविक समझ लें, इंडियन नेव GPS सिस्टम है या GPS सिस्टम, यानी दोनों के लिए काम करेगा, GPS सिस्टम के लिए एक रिसीवर बनाया है। उस रिसीवर चिप का क्या नाम रखा गया है? रिसीवर चिप का ध्रुव। क्या बनाया गया है? नाविक यानी इंडियन और GPS यानी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम के लिए रिसीवर चिप। ठीक है, स्वदेशी रिसीवर चिप है। किसने बनाई है, अगर हम इस पे देखें किसने बनाई है, तो IIT मुंबई ने। ठीक है, इससे लाभ क्या होगा, अगर हम इसके प्रॉफिट पे जाएं तो देखो, ऐसा है कि रियल पोजिशनिंग सिस्टम अपना GPS तैयार करने के लिए तो भारत की एक बहुआयामी एक बहुप्रशिक्षित योजना चल रही है, नाविक यानी सैटेलाइट सिस्टम है, रीजनल नेविगेशन सिस्टम के अंतर्गत क्या चल रही है, एक नाविक कार्यक्रम चल रहा है। जैसे अगर हम इसको नोट डाउन करें, नाविक के बारे में पहले ज़रा आपको बता दें, नाविक क्या है? नाविक IRNSS यानी इंडियन रीजनल नेविगेशन सिस्टम क्या है? इंडियन रीजनल नेविगेशन सिस्टम IRNS। ठीक, तो भारत सरकार ने IIT मुंबई की छात्रों ने एक GPS सिस्टम बनाया है, GPS सिस्टम को रिसीव करने के लिए एक चिप बनाई है, स्वदेशी चिप, उसका क्या नाम रखा गया है? ध्रुव नाम रखा गया है। ठीक है, और जैसा कि आप लोग जानते हैं, नाविक क्या है? इंडियन सैटेलाइट सिस्टम का इंडियन GPS सिस्टम है, और इसके अंतर्गत 11 सैटेलाइटों के एक जाल तैयार किया गया है, और उनमें से 7 सैटेलाइट छोड़े जा चुके हैं, 7 उपग्रह प्रक्षेपित किए जा चुके हैं। ठीक है, प्रक्षेपित किए जा चुके हैं। ठीक, और जो ये रिसीवर सिस्टम है, ये ध्रुव अगर रिसीवर सिस्टम यूज़ करती हैं हम लोग, तो ये हमारे नेविगेशन, हमारे पोजिशनिंग सिस्टम के लिए, और हमारे स्मार्टफोन में अब पोजिशनिंग सिस्टम के तौर पे एक रिसीवर चिप के तौर पे ये प्रयोग किए जा सकते हैं। ठीक है, अब जी नाविक जो है, इसमें एक और चीज़ चलती है कि ये जो दो तरह के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाया जा रहा है, एक तो आपका GPS सिस्टम, या ये समझ लें आपकी पोजिशनिंग सिस्टम के लिए, और दूसरा समान वैश्विक
स्टैंडर्ड पोजिशनिंग सर्विस और बनाया जा रहा है, और सीमित सेवा के लिए नाभिक अगर हम बात करें इसमें ज़रा देख लें, स्टैंडर्ड पोजिशनिंग सर्विस और सामान्य सेवाओं के लिए, सामान्य सेवाओं के लिए पोजिशनिंग सर्विस तथा सॉरी सीमित सामान्य सेवाओं के लिए, सीमित ये जो है सर्विस ये नागरिकों के लिए है, नागरिकों के लिए, और ये जो है आपकी सेना इंटेलिजेंस वगैरह के उपयोग के लिए है। ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ, आपका ध्रुव हुआ। इसके बाद चलते हैं हम लोग अपनी अगली न्यूज़ के पास। तो हमारी अगली न्यूज़ है जर्मन बुक ट्रेड अवार्ड से आई है। जर्मन बुक ट्रेड अवार्ड क्या है, जर्मन बुक ट्रेड अवार्ड दिया गया है एक भारतीय मूल के अर्थशास्त्री को, अमृत सेन क्या दिया गया है, जर्मन बुक ट्रेड का शांति पुरस्कार दिया गया है, प्रदान किया गया है। और अगर हम अमृत सेन के बारे में जानें तो भारतीय मूल के अमरीकी नागरिक हैं, और इनका जन्म बंगाल में 1933 को हुआ था, और इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया जा चुका है इनकी कल्याण अर्थशास्त्र के लिए। कल्याण अर्थशास्त्र में अगर हम चलें तो कल्याण अर्थशास्त्र संसाधनों पर नागरिकों का समान वितरण या संसाधनों का नागरिकों में समान वितरण कैसे हो, इसके बारे में इन्होंने बताया था। ठीक है, और इसी कल्याण अर्थशास्त्र के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था, और 1999 में इन्हें भारत रत्न भी दिया जा चुका है। ठीक है, इसके अलावा हम लोग अपनी अगली न्यूज़ पर चलते हैं। एक स्वदेशी अल्ट्रा लो वॉल्यूम स्प्रे बनाया गया है, और उसका अभी ट्रायल में था, उसका सफलतापूर्वक क्या हो गया है, परीक्षण हो गया है। क्या बनाया गया है, स्वदेशी अल्ट्रा लो वॉल्यूम स्प्रेयर, ULV स्प्रेयर, स्वदेशी अल्ट्रा लो वॉल्यूम स्प्रेयर, ये क्या है, ये भारतीय किसान एवं कल्याण मंत्रालय ने एक ट्रायल बेस पे रखा था एक स्प्रेयर को। जैसे आप लोग जानते हैं टिड्डियों का हमला हुआ है, मतलब ईरान पाकिस्तान होती हुई टिड्डियां कहाँ तक आ गई हैं, भारत तक आ गई हैं, तो उनके उनको भगाने के लिए, उनके प्रकोप को कम करने के लिए उनके ऊपर स्प्रेयर यानी स्प्रे छिड़काव किया जाता है। तो वही स्प्रेयर एक व्हीकल बनाया गया है, स्वदेशी व्हीकल ULV स्प्रेयर व्हीकल टिड्डी के नियंत्रण के लिए, उसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। अभी होता क्या था जरा इसके बारे में देख लें, तो अभी अब तक तो यूनाइटेड किंगडम से हम क्या करते थे, एक स्वदेशी व्हीकल माउंटेड लेते थे कि इसका क्या नाम था, फर्मा माइक्रोन स्प्रेयर से। तो हालांकि हमने 60 का ऑर्डर दिया था, तो अभी हमारे पास मात्र 15 का ही आज तक क्या हो पाया है, सर दिया जाए 15 की ही डिलीवरी हो पाई है। तो इस दौरान एक स्वदेशी माउंटेड स्प्रेयर बनाने की बात चल रही थी, स्वदेशी माउंटेड व्हीकल। ठीक, तो ये आज आपका अगली न्यूज़ थी। इसके बाद हमारी आज की एक और अन्य न्यूज़ है, ऐसे ही देख लेते हैं। भारत सरकार ने पाकिस्तान उच्चायोग से अपने यहाँ का स्टाफ 50% कम करने की बात कही है। ठीक है, क्यों कही है, इसके बारे में दो रीज़न है। एक तो रीज़न ये है कि पाकिस्तान उच्चायोग में कार्यरत दो लोगों को जासूसी कार्य करते हुए जासूसी एक्टिविटीज़ करते हुए पकड़ा गया था फिर उन्हें बाद में, और ऊपर से भारत उच्चायोग के दो सदस्यों के साथ पाकिस्तान में क्या हुई थी, अभद्रता हुई थी। तो भारत ने यही कहा है सरकार ने कि पाकिस्तान ने बियाना संधि, एक बियाना ट्रीटी है, उसमें
एक दूसरे के देशों के नागरिकों के जो कार्यरत नागरिक होते हैं और जो सैनिक होते हैं उनसे संबंधित एक ट्रीटी है कि आपका सम्मान करना है, तो आपने उनके साथ भारत ने यही आरोप लगाया था, आपने वियना ट्रीटी की अवहेलना की, उल्लंघन किया है, तो आप अपना स्टाफ कम करिए। ठीक है, इसके अलावा और एक न्यूज़ है जो हमारी इसरो से आ रही है। इसरो ने अंतरिक्ष में अपनी गतिविधियों को, अंतरिक्ष में एक्टिविटीज़ कर संबंधित गतिविधियों को निजी क्षेत्र को वहाँ पर आमंत्रित किया है, यानी निजी क्षेत्र यानी प्राइवेट कंपनीज भी जाकर इसरो में अपने कार्यक्रमों को लॉन्च करा सकती हैं। समझ में आया? इसके अलावा एक और न्यूज़, कुशीनगर यानी हमारी पर्यटन विभाग से संबंधित, ऐसे समझिए बुद्ध सर्किट बनाया जा रहा है, तो उसी को देखते हुए परिवहन मंत्रालय ने कुशीनगर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया है। उसके दो तीन रीज़न है। इसका एक रीज़न तो ये है कि कुशीनगर की जो लोकेशन है वो महात्मा बुद्ध से रिलेटेड स्थानों के समीप ही है, जैसे कुशीनगर में के पास लुम्बिनी भी है, कपिलवस्तु भी है, श्रावस्ती भी है, ठीक है, जहाँ पर उन्हें का जन्म, उनको ज्ञान और उनकी मृत्यु भी हुई थी। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। इसके बाद आज का करंट कंप्लीट होता है और आज एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास यही टॉप 5 न्यूज़ें थी। इसके अलावा आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो हमारे यूट्यूब चैनल, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए और हमारे यूट्यूब चैनल पर कमेंट और लाइक एवं शेयर भी करिए, जिससे आप उसको सब्सक्राइब करें तो हमारे अपकमिंग वीडियोस के आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होगा। थैंक यू।